अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आईपीएल में कल केकेआर और हैदराबाद के बीच मैच हुआ। बताते चले कि इस मैच में रशीद खान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के सामने कोलकाता ने घुटने टेके और हैदराबाद ने 13 रनों से जीत हासिल करके आईपीएल 2018 के फाइनल में प्रवेश किया। इस बड़ी जीत का पूरा श्रेय रशीद खान को जाता है और मन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए उसने कहा कि ये अवार्ड मेरे देश के उन लोगों को जो बम विस्फोट में मारे गए हैं। मैच के बाद बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे काफी जरूरी था कि मैंने मैच के दौरान अपना 100% दूं। फिर मैं चाहे बल्लेबाजी कर रहा हूं या फिर गेंदबाजी या फील्डिंग, मैं अपनी क्षमता पर ध्यान दिया था। आज के मैच के दौरान मैं अपनी बल्लेबाजी से काफी ज्यादा खुश हूं। ये हमारे लिए जरूरी भी था। मैंने शुरुआत एक बल्लेबाज के रूप में ही की थी, जिस वजह से मुझे खुद पर भरोसा था। टीम के कोच ने मुझे सीधे बल्ले से खेलने को कहा था, मैंने वही किया। वही आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस अवार्ड को मैं अपने देश के उन लोगों को समर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने बम विस्फोट के दौरान अपनी जान गंवा दी है।